नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर डीएम एडीएम और एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कन्नौज जिलाधिकारी सभागार में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के मद्देनजर कन्नौज के मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाने की बात कही गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा अपर जिला अधिकारी गजेंद्र कुमार ने निर्वाचन कार्यालय में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 दृष्टिगत समस्त मोबाइल सुविधा प्रदाताओं के साथ मतदान पर चढ़ाए जाने के लिए समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तारीख विशेष मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत संचालित किए जाएंगे। इस अभियान के अंतर्गत जनपद कन्नौज के मतदाताओं को प्रेरित किया जाएगा। जनपद के सभी मतदाता अपने घर से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ पर जाकर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। इसी क्रम में मतदाता 90% के पार मतदाता मतदान करेंगे और मतदान पत्रकार बनाए जाने हेतु विशेष रणनीति तैयार की जा रही है, जिससे मतदाताओं को जागरूक किए जाने हेतु सोशल मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही विभिन्न प्लेटफॉर्म का सहारा लेने हेतु मतदाताओं को मतदान दिवस के दिन मतदान करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। कन्नौज से जिला संवाददाता शिवू सैनी की रिपोर्ट। वर्तमान विधानसभा चुनाव में जो भी प्रत्याशी नामिनेशन करेंगे और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उनको अपने नामिनेशन पेपर के साथ उसको देना होगा। इसके अलावा उनको फार्म C1 में प्रकाशित कराना होगा 3 बार और उनके दल को भी इस बात को सोशल और प्रिंट मीडिया में देना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके दल को C7 में एक डिटेल देना होगा कि आपने इन प्रत्याशी को क्यों खड़ा किया। इसकी सूचना भी उनको RO को, DO को और आयोग को देना होगा। इसके बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैठक करके हम लोगों ने उनको डिटेल में बता दिया है। सभी RO को अच्छे से ब्रीफ कर दिया गया है कि अगर इस टाइप के कोई कैंडिडेट नामिनेशन करते हैं तो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड से संबंधित सारी सूचनाएं हैं वो सही सही सबकी भर के ली जाएं और माननीय आयोग को और माननीय उच्चतम न्यायालय को यथासमय सबको भेजा जाए। दूसरा जो आज का बेसिक उद्देश्य था आप लोगों के साथ चर्चा करने का कि हम मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ाएं और इस पर जो हमारे अपने विचार थे, जो मीडिया के थ्रू हमें नए नए प्रस्ताव, नए नए विचार मिले, हम लोग उसको शामिल करेंगे। और आप लोगों का अगर पूरा सहयोग रहा, जैसे आप लोगों ने पीछे हमारा कोविड में बहुत अच्छे से हाईलाइट किया, तो निश्चित रूप से अब की बार हम लोग अपने ज़िले को 80 से ऊपर ले जाएंगे मतदान प्रतिशत में। ये हम लोगों का लक्ष्य रहेगा और मेरा अनुरोध भी रहेगा कि आप लोग भी हमें नए विचार, नए सुझाव देते रहें और जो हम लोग कर रहे हैं उसको जनता तक पहुँचाने में हमारी पूरी आप मदद करें। दूसरा, चूँकि कोविड वर्तमान में चल रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए आयोग ने ये निर्देश दिया था कि जो भी कार्मिक लगेंगे या जो भी जिले जहां चुनाव हो रहे हैं उनमें कम से कम फर्स्ट डोज 100% सबको लग जाए और सेकंड डोज भी 75% तक लोगों को लगा दी जाए। जो हमारे कार्मिक हैं उनको बूस्टर डोज, जिसको प्रिकॉशन डोज कहा गया है, वो सभी कार्मिकों को इंश्योर करा लिया जाए। उसके क्रम में अभी तक हम लोगों ने अपने ज़िले में 101% से अधिक फर्स्ट डोज लगा दिया है और करीब 68% लोगों को सेकंड डोज लग गया है और अगले 3-4 दिनों के अंदर हम सेकंड डोज 75% तक कर देंगे और 11 से ऊपर अपने कार्मिकों को हम बूस्टर डोज लगा चुके हैं और जिनका ड्यू है उसको भी आगे हम लगाते जाएंगे। तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोविड का जो चैलेंज है और जो चुनाव का चैलेंज है, ये दोनों को हम लोग एक साथ मिला करके अच्छे से इसको कराएं, ज़िले में शांतिपूर्वक चुनाव हो और मतदान का प्रतिशत भी बढ़े। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।